Aaradhya classes. I'm Harneet Kaur, and we were studying chapter number 2 of your 10th SST textbook, that is Cultural Heritage, Handicrafts and Fine Arts. And this is your lecture number 3, that is video lecture number 3. हमने जो पहले की वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने अकीक वर्क तक पढ़ा था, डायमंड्स के बारे में पढ़ा, निदस के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स के कल्चरल हेरिटेज होते हैं, कितने टाइप्स के हेरिटेज होते हैं वो पढ़ा. इस वीडियो में हम म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे. डांस का हम एंटायर नहीं नॉलेज लेंगे, बट हम ऊपर ऊपर से, मतलब जो फर्स्ट पोर्शन है आपका डांस रिलेटेड, वो हम नॉलेज लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो आपके टॉप अकीक वर्क के बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग. पेंटिंग हम सबको पता है पेंटिंग क्या होता है, राइट? पेंटिंग यानी कि चित्र बनाना, पिक्चर्स बनाना, ये सब. तो पेंटिंग और इंडिया का बहुत ओल्ड रिलेशन है. कैसे रिलेशन है कि जो पुराने टाइम में जो महाराजा ये सब हुआ करते थे, वो पेंटिंग बना के ही अपने मोमेंट को कैप्चर किया करते थे. हमारे टाइम में हमारे पास अभी कैमराज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे डिवाइस है जिससे हमारा मोमेंट जो है वो कैप्चर कर लेते हैं. पर पुराने जमाने में कोई ऐसा डिवाइस नहीं हुआ करते थे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा इनोवेशन नहीं था. तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे कुछ भी अगर उन्हें मोमेंट कैप्चर करना है, वो आर्टिशन को बुलाते थे, पोज मारते थे घंटों या फिर जितने उनकी कैपेबिलिटी हो, एंड देन अकॉर्डिंगली वो पेंटिंग बनवाते थे. तो उसको वो प्रिजर्व रखते थे. तो पेट्रोलाइज आपकी बुक में एक टर्म दिया गया है, PETROLYPHS, दैट्स पेट्रोलाइज. पेट्रोलाइज का मतलब होता है अर्लीएस्ट पेंटिंग, जो कि सबसे ज्यादा पुराने जमाने की पेंटिंग है, एज द ह्यूमन स्पीशीज नोज. ठीक है, तो पेट्रोलाइज का एक एग्जाम्पल है भीम बेटका केस जो मध्य प्रदेश में है, एलोरा, अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में है. एंड द थिंग इज, हम अभी भी रंगोली बनाते हैं, हर एक वार त्योहार पे वी मेक रंगोली. तो रंगोली से क्या होता है, अल्टीमेटली हम हमारी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि हमारी इच्छा है, हमारे स्किल्स को प्रेजेंट करते हैं. एंड पुराने टाइम में पेंटिंग्स क्यों बनाई जाती थी, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस और टू मतलब सबको एजुकेशन फैलाना. ठीक है, अगर आप बहुत पुराने पुराने टेम्पल जाओगे, खजुराहो टेम्पल हो गया, भीम बेटका केव्स हो गया, जितने भी पुराने टेम्पल्स जाओगे, तो आप वहां पे देखोगे कि उनके पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन है, पिलर्स पे इंकार किया गया है. दैट मीन्स कि वो उसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करते थे. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पेंटिंग. नेक्स्ट इज योर म्यूजिक. म्यूजिक हम सबको पता है, म्यूजिक का मतलब होता है गाना. बट हर कोई ना गाना गा सकता है, ना कोई गाना बना सकता है, ना कोई उसको कंपोज कर सकता है. ठीक है, तो जो गाना है वो अपने आप में एक यूनिक फॉर्म होता है, ट्यून, हार्मनी एंड रिदम का. हमें ट्यून भी चाहिए होती है, हार्मनी यानी कि कोरस भी चाहिए होता है, रिदम भी चाहिए होती है. तो नॉट एवरी पर्सन इज गुड इन म्यूजिक, राइट? तो म्यूजिक के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है. 5 राग होते हैं, हम सबको पता है 5 राग होते हैं, सारेगामा पधनिसा वो भी एक तरह के राग होते हैं, पर जो मेन 5 राग जिसमें से वो सारेगामा पधनिसा भी निकलता है, वो होते हैं श्री, दीपक, मेघ, हिंडोल, भैरवी. और इसका आपके बुक में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, हम ऊपर ऊपर से देखेंगे. ये 5 मल्हार होते हैं, इसको राग भी कहते हैं, इसको मल्हार भी कहते हैं. अगर आपने अपने बचपन में कभी अकबर, बिरबल या तानसेन की कहानियां सुनी है या उसके बारे में कुछ पढ़ा है, तो आपको जरूर पता होगा कि जो तानसेन था वो दीपक मल्हार और मेघ मल्हार के लिए फेमस था. मतलब वो जब भी गाते थे तब नेचर खिल उठता था, एंड दीपक जो थे वो अपने आप जल उठते थे. दीपक मतलब दिए, जो कि हम दिवाली पे लगाते हैं, एंड मेघ मतलब बादल, क्लाउड्स. तो जब भी तानसेन मेघ मल्हार गाते थे तो नेचर इतना झूम उठता था कि बारिश होने लगती थी. सो तानसेन ने मेघ मल्हार और दीपक मल्हार को फेमस किया है. देन हमें पता है देर आर फोर वेद्स इन हिंदू कल्चर. ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब. तो उसमें जो सामवेद है वो म्यूजिक से एसोसिएटेड है. देन जितने भी, ऐसा कहा जाता है हिंदू एंशियंट कल्चर में या हिंदू माइथोलॉजी में, कि जितने भी 5 के 5 राग्स है वो पंचमुख में से आए. पंचमुख किसके? लॉर्ड शिवाजी के पंचमुख में से आपके राग्स निकले हैं. तो आपके बुक में म्यूजिक के बारे में शॉर्ट में इतना डिस्क्राइब किया गया है. आगे है कि जब एंशियंट इंडिया था, तो एंशियंट इंडिया में लोगों ने म्यूजिक पे टेक्स्ट लिखना शुरू किया. टेक्स्ट लिखना यानी कि म्यूजिक पे किताबें लिखना शुरू किया. तो आपके बुक में होंगे 3 फेमस पंडित्स के बारे में बताया गया, जिन्होंने टेक्स्ट में बहुत, म्यूजिक लिटरेचर में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है. पहला है संगीत मकरण. संगीत मकरण ये एक म्यूजिक स्कॉलर जो नारद है, आपने सुना होगा, नारद ने लिखा है 900 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा में. एंड उन्होंने उस पूरी जो संगीत मकरण बुक है उसमें उन्होंने 19 वीनास और 101 रिदम के बारे में डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया. सेकेंड इज संगीत रत्नाकर. संगीत रत्नाकर पंडित सारंग देव जी ने लिखा है, एंड वो दौलताबाद में रहते थे, एंड वो, उनको नॉर्थ, एन एस मीन्स नॉर्थ साउथ,
उनको नॉर्थ साउथ दोनों के कल्चर का म्यूजिक का नॉलेज था। नेक्स्ट इज संगीत परिजन, और ये लिखा है पंडित अहोभले ने 1665 में, और इन्होंने इस बुक में सारी इम्पोर्टेंट रागस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको इन चीजों से ज्यादा लर्न करने की देखने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में बस इतना ही याद रखना है, ना इसके अलावा आपकी बुक में दिया है, ना आपको किसी डायजेस्ट में मिलेगा, ना एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेंटिंग एंड म्यूजिक, की पेंटिंग क्या होती है, म्यूजिक क्या होती है, और आपकी बुक में उसके बारे में कितना हमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक से बुक इज डांस। नाउ एवरीबॉडी नो कि डांस क्या होता है ना, डांस से कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको डांस क्या होता है वो नहीं पता होगा, मतलब सब एवरीबॉडी नोज टू हाउ टू मूव देयर बॉडी इनटू सम रिदमिक फॉर्म। सो अल्टीमेटली जो मैंने अभी वर्ड बोला उसी से हम डांस की डेफिनेशन निकालते हैं। ये आपकी बुक में शायद नहीं दी गई है, बट हम इसको लेमैन लैंग्वेज में तो निकाल सकते हैं। डांस का मतलब क्या होता है, टू मूव अवर बॉडी इन सम फॉर्म ऑफ रिदम्स, अपनी बॉडी को किसी रिदम में चलाना, उसको हम डांस कहते हैं, ठीक है। सो डांस जो शब्द है, सॉरी, डांस को हिंदी में हम नृत्य कहते हैं, नृत्य, और ये एक संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है कि अपनी बॉडी की ब्यूटी को रियलाइज करना इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। डांस जो वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग, या हिंदी में उसको नृत्य कहते हैं, एंड नृत्य संस्कृत वर्ड से निकला है नृत्य से, जिसका मतलब होता है कि रियलाइजिंग द ब्यूटी ऑफ अवर बॉडी थ्रू द सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि म्यूजिक के थ्रू हम हमारी ब्यूटी को रियलाइज कर रहे हैं और सामने वाले को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपकी बुक में एंड डांस एंड इसको इसका जो ओरिजिन है वो शिवा कहते हैं, इस नटराजन है, शिव है, नटराजन है देवल, नोन एज द को फाउंडर और द फाउंडर ऑफ द डांस, ठीक है, इंडिया में से डांस निकला था। अब हम सबको पता है आज के जमाने में डांस बहुत सारे, क्लासिकल, फोक, वेस्टर्न, जैज, सालसा, बचाटा, पता नहीं कौन कौन से तरह के अलग अलग डांस आते हैं, ठीक है। पर आपकी बुक में अभी फिलहाल हम इस वीडियो लेक्चर में क्लासिकल डांस के बारे में बात करते हैं। क्लासिकल डांस हम सबको पता है कि क्या होते हैं, क्लासिकल डांस हम सबको पता है कि क्या होते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये सब। तो आपकी बुक में सबसे पहला दिया गया है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, तंजोर शहर से निकला है, ठीक है। सबसे पहला डांस आपकी बुक में दिया गया है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या होता है आप सबने देखा होगा, पर आपको शायद नाम पता हो या नहीं पता हो। बहुत ब्यूटीफुल सी वो साड़ी पहनते हैं, आई मेकअप करते हैं। भरतनाट्यम में आई एक्सप्रेशन जो होते हैं, फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं, उसमें भी मेन आई एक्सप्रेशन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने देखा वो बहुत ऐसी फ्लेयर से ऐसे साड़ी पहनते हैं, जब वो पैर चौड़े करते हैं तो उनकी साड़ी में मस्त फ्लेयर आती है, दैट इज भरतनाट्यम। उसका ओरिजिन तंजोर तमिलनाडु से है, मतलब वहीं से निकला गया है। फिर इसके ऊपर भी बहुत लोगों ने अपनी बुक्स लिखी है, ठीक है। सेकेंड इज कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी भी भरतनाट्यम जैसे मूव्स होते हैं उसमें, पर उनका ओरिजिन सब कुछ अलग है। कुचिपुड़ी 15th सेंचुरी में से था, मतलब 15th सेंचुरी में उसको पता चला कि ऐसा कोई डांस फॉर्म होता है, एंड उसमें भी अल्टीमेटली बहुत ब्यूटीफुल सी वो लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, एंड सिर पे बहुत भारी भारी चीजें पहनते हैं सिर पे, जिनके उनका फेस एक्सप्रेशन बहुत ब्यूटीफुल लगता है, अपने फेस को पेंट करते हैं कुचिपुड़ी में। एंड ये आंध्र प्रदेश का है, एपी मीन्स आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल प्रदेश, एपी मीन्स आंध्र प्रदेश। तीसरा आपके बुक में दिया हुआ है कथकली, कथकली का है वो केरला है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा डांस फॉर्म कहाँ से आया है, इसके अलावा आपको जिंदगी भर में और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सो कथकली केरला से, केरला का डांस फॉर्म है। इसमें भी दे वेयर ब्यूटीफुली प्लेटेड साड़ीज, एंड अल्टीमेटली ईच एंड एवरी डांस फॉर्म इज जस्ट टू रियलाइज द ब्यूटी ऑफ वन्स बॉडी एंड वन्स एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज मणिपुरी, नाम से ही पता चल रहा है ये मणिपुर का है। एंड लास्ट इज इन योर बुक इज कथक,
कथक अनारकली ड्रेस पहन के करते हैं, एक लेग पे आप राउंड एंड राउंड होके करते हो, तबले की ताल पे करते हो, सो दैट इज कथक। ये मुगल्स के टाइम पे फेमस हुआ था। इसका ओरिजिन है उत्तर प्रदेश, इसका ओरिजिन है यूपी। तो आपकी बुक में जो क्लासिकल डांस है उसके बारे में इतना दिया।